देखो बड़ा किसने बनाया इनको? जनता ने बनाया। तो जनता बड़ी है, किंग मेकर है जनता, वो बड़ा नहीं है। वो अब राजनीति में आगे पावरफुल हो गए तो कहने में वो बड़े हो गए, नहीं बड़े तो लोग हैं, वो फैसला कर देते हैं। बाकी बड़ों से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मन उब चुका है मेरे हल्के लोगों का, क्योंकि ये इनसे बनने के बाद इन्होंने ना कोई समस्या इनकी ना इनके बीच में रहे, इस टाइप की बातें मेरे आगे आई है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको बाईपास कर दिया है यहाँ उचाणा की जनता ने। तो आपने लगा है कि उचाणा की जो राजनीति है वो चेंज हुई है और एक अलग सिनेरियो के साथ में उतरेगी? बिल्कुल, उचाणा की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं अब झांसे में आने वाले नहीं है सोनू जी। यहाँ सवाल जवाब करते हैं लोग, पूछते हैं कि क्या काम किया हमारे बीच में, क्यों नहीं आए। उनके अंदर की पीड़ा है, तकलीफ है। लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी तकलीफ समस्याएं सुन सके, किसान की, मजदूर की, युवा की। विधानसभा में भी शूट है थे, कई चीजें थी। बीजेपी सरकार में एक घोटाला नहीं हुआ, कई हुए। शराब घोटाला बताते हैं, जीरी घोटाला बताते हैं, एजुकेशन घोटाला बताते हैं, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला बताते हैं, और बहुत घोटाले ऐसे थे। और एक घोटाला और भी था जो कि जिसकी जांच चल रही है अभी भी, कि जो एससी और बीसी के गरीब बच्चों का एडमिशन स्कूलों में होता था और स्कॉलरशिप जो मिलती थी उसकी, वो बहुत से ऐसे थे कि फर्जी एडमिशन करवा के एडमिशन हुए नहीं, पैसे गायब हो गए। ये सारी बातें सामने आई हैं जिसपे अभी अमल करने लग रहे हैं। लोगों को लॉलीपॉप देने का काम है ये। साढ़े नौ साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे, उन्होंने इस टाइप का कोई डिसीजन नहीं लिया। अब जब हुड्डा साहब ने बड़े दमखम से मीडिया में, लोगों में, अपनी स्पीचों में, जनसभाओं में जब ये गरीब लोगों की आवाज उठाई है, तब जाके इनकी आंख नींद खुली है। मुख्यमंत्री को चेंज करना पड़ा है। एक बीसी वोट बैंक, वोट जातिगत वोट बैंक की राजनीति करती है बीजेपी। 70+ सीटें लेके हुड्डा साहब अपनी सरकार बनाएंगे और ऐसे ही हरियाणा नंबर वन बनेगा। सबको अब अपना हिस्सा मिलेगा, चाहे खिलाड़ियों को है, चाहे आंगनवाड़ी वर्करों को है, चाहे टीचरों को है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का है। 2 लाख के करीब जो पद युवाओं के पड़े हैं वो सारे भर दिए जाएंगे। सांपों में ये खेलता है, रातों को ये घूमता है, आम आदमी की समस्या में ये काम देता है, समाज को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हर वर्ग का पेट पालने में, किसान किसी भी जाति से हो सकता है, बहुत बड़ा पूरे देश का जो पेट पालने का काम वो किसान करता है। इनके ऊपर अत्याचार वो कैसे सहन हो सकता है? खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है भाई, लोकसभा चुनाव गया है और अब आने वाला 3-4 महीने में विधानसभा आने वाली है। किस पार्टी ने कितनी टिकट मिली है वो भी आपने पता है, और कौन से कैंडिडेट किस भी आव पे जीते हैं और के कुछ आगे का सिनेरियो रहा है वो आपने भी सारा बेरा है कि किसका दिमाग में के चल रहा है। इस टाइम पर आप मौजूद हाँ उचाणा हल्का में, और उचाणा हल्का में भी आपने पता है कि किश्ती के कुछ कराया है। जो हमारे साथ में है भूपेंद्र वर्मा जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का तौर पर भी अपना आपती मानना है और ग्राउंड लेवल पर मेहनत भी करने लग रहे हैं, अपनी नौकरी तय VRS लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं और इसी के जरूरत पड़ी, समाज में के देखा, पहला तो यह पूछ लिया, उसके बाद में आगे बढ़ाएं। सबसे पहला राम राम जी। राम राम सोनू जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार। के कारण था कि अच्छी खासी जॉब छोड़ कर ने आप आए और यू सोच लो के दिमाग में आई, कर सको थे आप और नौकरी भी कर सको थे, अच्छा सारा सिस्टम था, राजनीति का के कीड़ा जा गया? सोनू जी, वैसे तो मेरे परिवार में मेरे बाबू जी पहले बड़े सोशल और यूनियनों से जुड़े हुए रहे, सोशल फैमिली से हूं मैं। तो लोगों की तकलीफें मेरे डिपार्टमेंट में रह के भी और जहां मेरा वास्ता पड़ा, वो जो मैंने हालात देखे उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता था मैं, कॉन्शियस नहीं कहती थी। मैंने सोचा कि अपना जीवन का कुछ हिस्सा, अपना योगदान समाज सेवा में भी देऊं और उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूं। एक और है नी, आप उचाणा की बात आप आज करा है नी, तो उचाणा एक ऐसी जगह है जड़ एक बड़ा कवा या फिर दो बड़े कवा, एक राना तो ईसा है जो पिछले 50 साल तक राजनीति लाग रहा है, कारण अपना खुद का ये नहीं मानना है कि भाई उचाणा है तो मेरा है और वो आपकी ही पार्टी में है, तो उसका उन्दे आपने किस तरह का लग गया है कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा मतलब टिकट ले जाएगा, विधायक के सपने देख सके है या फिर न्यू देख सके है कि भाई
जो जनता की समस्या है वो खुद सोल्व करांगे। देखो बड़ा किसने बनाया इनको? जनता ने बनाया। तो जनता बड़ी है, किंग मेकर है जनता, वो बड़ा नहीं है। वो अब राजनीति में आगे पावरफुल हो गए तो कहने में वो बड़े हो गए, नहीं बड़े तो लोग है वो फैसला कर देते हैं। बाकी बड़ों से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मन उब चुका है मेरे हल्के लोगों का, क्योंकि ये इनसे बनने के बाद इन्होंने ना कोई समस्या इनकी ना इनके बीच में रहे इस टाइप की बातें मेरे आगे आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको बाईपास कर दिया है यहाँ उचाणा की जनता ने। और धरातल पे बहुत हमारे बड़ा परिवार है हमारा, बहुत टिकटारती है जिन्होंने पार्टी के लिए अच्छा धरातल पे काम भी किया है, मैंने भी किया है, औरों ने भी किया है, मेहनत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हाईकमान इस बात के ऊपर विचार करेगा और सर्वे करा के पार्टी टिकट देगी और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको मैदान में उतारेगी। जो लोकसभा का चुनाव था उसके अंदर कहीं ना कहीं नाम उस परिवार के सदस्य का आना था, लेकिन सर्वे में वो नहीं आगे आ पाया और उसके बाद में जयप्रकाश को टिकट मिल गई। अब उम्मीद लगाई जाने लग रही है कि विधानसभा में पक्की यहाँ भरी गई है और जिस तरह न्यूकैस कहा है कि भाई वहाँ आश्वस्त हैं इस चीज से लेकर, जबकि उनकी लोकसभा में भूमिका आप कितनी के कुछ है वो जरूर बता दियो। देखो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई किसी जीतने वाले कैंडिडेट को धरातल पे जो पार्टी के लिए दिल से काम करे उसको इग्नोर किया जाए। अब की बार तो खासकर ऐसा नहीं होगा, आपने देखा होगा वहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब के बड़े बड़े नेता ऐसे थे, उनको रातों रात चीफ मिनिस्टर से हटाया, कोई रीजन था, पार्टी ने बड़ा डिसीजन लिया था। ऐसा यहाँ भी हुआ है, अभी जैसे सर्वे में कि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली, सर्वे में नाम नहीं आया तो वो भी बड़ा परिवार था। वीरेंद्र सिंह जी के बेटे को नहीं मिली, वो भी पार्टी, अब की बार पार्टी इग्नोर नहीं करेगी धरातल पे काम करने वाले बंदे को बिल्कुल भी, जो मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं और लोगों में, और हमारे जो लीडरशिप है, जो अभी मैं उचाणा भी प्रोग्राम में था, हम गाँव में भी गए थे, हमारे MP साहब के साथ थे, यही मैसेज था कि भाई जो बड़े लीडर हैं उनकी पार्टी को वो सपोर्ट रही नहीं, नहीं तो यहाँ थे और ज्यादा वोटों से जीतते। बाकी फिर भी अच्छा प्रदर्शन रहा और मैं हमारे MP साहब को बधाई भी देता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने भी बड़ी ताकत लगाई। हुड्डा साहब के नाम से अब की बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और हुड्डा साहब का वर्चस्व है। भूपेंद्र जी, उचाणा में आपने लगा है कि जो चीजें निकल कर न लोकसभा में आनी चाहिए थी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की अगर आप बात करें, वोटिंग परसेंटेज 62-63% हुई है, जबकि पूरा का पूरा 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीद उचाणा तक लगाई गई थी, भाई उचाणा सबसे ज्यादा वोटिंग करने वाला और सबसे ज्यादा मार्जिन देने वाला होगा, जबकि नरनोंद ने यहाँ से ज्यादा मार्जिन दिया है। नहीं, यहाँ भी अच्छा मार्जिन आया है सोनू जी, बहुत अच्छा मार्जिन है। यहाँ के हमारे जितने कैंडिडेट थे या वर्कर थे उन्होंने बड़ा धरातल पे काम किया है, बूथ वाइज काम किया, हमने गांव गांव डिवाइड करके काम किया है, जातिगत समीकरण के हिसाब से हमने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ा पर उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमें भी महसूस होता है। कहते हैं कि उनके एजेंट भी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी पार्टी में एजेंट बने थे उनके जो वर्कर थे, इस टाइप की अफवाहें हैं और वो रिकॉर्ड की बातें हैं, वो तो सारे ही कैंडिडेट भी और लीडरशिप को भी पता है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाकी जो पार्टी डिसीजन लेगी, जिसकी टिकट आएगी हम सबका साथ उसका साथ देंगे, मेरी आएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा भी देंगे। एक बात हमेशा से रही है कि कहीं ना कहीं आपसी जो खटास या आपसी मनमुटाव कांग्रेस पार्टी में बहुत सारा देखने को पहले मिला है, आपकी बात अलग है कि वो किस तरह से डील करते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसी रहती है, वो उनका एक आपका थोड़ा सिनेरियो अलग है। अगर वीरेंद्र सिंह का परिवार का ऊपर टिकट चली जावे है तो जितने भी ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने वाले हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सारा का सारा लगा रखे है काफी लंबा समय तक, तो वो क्या करेंगे? क्या वीरेंद्र सिंह के साथ जावेंगे या फिर खुद के साथ में जावेंगे? देखो अभी टाइम है, वो डिसीजन जो भी होगा सब बैठ के लेंगे, यदि पार्टी हाईकमान का आदेश होगा तो उसका साथ भी देंगे और नहीं अपना एक कोई जो भी उम्मीदवार यदि लेके आना पसंद करेंगे तो मैं, जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे साथी हैं हम उनसे बाहर नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पार्टी के साथ खड़े हम, पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। सोनू जी देखो उचाणा में हमेशा से चेहरे की राजनीति रही है, दल की राजनीति नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें, कांग्रेस पार्टी अपना इतना बड़ा जो कैडर है वो तैयार करने में पहला यहाँ पर नाकाम रही है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जब था तो वीरेंद्र सिंह के साथ में इसका जो वोट बैंक है वो चला गया था, भाजपा में था तो भाजपा में भी इसके साथ में चला गया था, तो वो चीजें यहाँ पर हुई है। तो आपने लगा है कि उचाणा की जो राजनीति है वो
चेंज हुई है और एक अलग सिनेरियो के साथ में उतरेगी। बिल्कुल, उचाणा की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं, अब झांसे में आने वाले नहीं है सोनू जी। यहाँ सवाल जवाब करते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या काम किया हमारे बीच में क्यों नहीं आए। उनके अंदर की पीड़ा है, तकलीफ है। लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए जो उनकी तकलीफ समस्याएं सुन सके, किसान की, मजदूर की, युवा की, एजुकेशन से, स्वास्थ्य से संबंधित, पुलिस डिपार्टमेंट की समस्या, तहसील की समस्या, एसडीएम ऑफिस की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, स्टेडियम नहीं है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, रोडों पे बसों की सुविधा, लड़कियों के लिए कोई बसों की सुविधा नहीं है। ऐसी बहुत समस्याएं जो मैं घूमा हूँ, इन समस्याओं को लेकर उतरे हैं मैदान में। और आएगा तो देखो, पार्टी का मैनिफेस्टो कुछ भी हो, वो पार्टी ने हाई कमान ने पूरा करना होता है। हमारा उसमें जो श्रेय योगदान होता है हम देंगे, पर उसके अलावा भी लोकल लीडर का बहुत कुछ होता है जो लोगों की समस्या उनके बीच में रह के सुनता है और उनका समाधान भी होता है। और मैं तो देखो, हमारी पार्टी को ये कहूंगा भी, यदि मेरा ही आप मान के चलो, यदि मैं विधायक बनता हूं, मैं ये सलाह भी देंगा, हम वर्कर के नाते भी सलाह देंगे, जो भी हमारा MLA बने चाहे यहाँ का मिनिस्टर बने, और पूरे हरियाणा में ये आदेश जारी होना चाहिए कि भाई जब मीटिंग है या मंत्रिमंडल की मीटिंग है या पार्टी ने कोई मीटिंग बुलाई है तभी चंडीगढ़ आइए, नहीं तो लोगों के बीच में रहने का आदेश कर दीजिए, लोग अपने आप वहां समस्याओं का समाधान करवा लेंगे, चंडीगढ़ चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तेल नहीं फूकना पड़ेगा। यहां तक फाउंडेशन होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक के नुमाइंदे, पब्लिक की सेवा के लिए होता है। ऐसा नहीं कि 5 साल में वोट लिया और वो फिर बंदा ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पब्लिक के बीच में रहेगा, पब्लिक उसे सवाल जवाब कर लेगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यदि वो 2 दिन 5 दिन पर्सनल काम से भी हल्के से बाहर है तो वो इंटीमेशन दे के जाएगा न्यूज़पेपर में, खबर में, कि भाई मेरे पास तेल फूक के ना आए, मैं उस दिन मिलूंगा। स्थायी ठिकाना भी होना चाहिए, लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। जब दिशा और दिशा बदलेगी, उचाणा की जनता तो ये अच्छी तरह जहां मैं घूमता हूं समझ चुकी है, हम भी अपना सजेशन देंगे। 1% भी लोग हैं ऐसे जो जिस इस तरह का जैसे आपने सुजेशन दिया है या खुद इंप्लीमेंट करने की हिम्मत रखते हो? आज तक किसी ने भी इस तरह का सुजेशन किसी को दिया हो कि भाई इतने दिन तक वो रहेगा, जबकि चुनाव के टाइम पर यह बात बोला है कि मैं तारा बीच में रहूंगा, यू करूंगा, फलाना करूंगा, फिर उसके बाद में एक चेहरा बिठा दिया जावा है जिसका कुछ नहीं होता, ना उसकी वो नहीं कहेगा ना खान मानता ना पारण मानता, तो वो चीज हो जाए, उसका साथ में कुछ नहीं हो सकता। तो जनता मिला किस थी, क्योंकि वोट तो किसी और तो दिए थे, उसका चेहरा ऑफिस में कोई और है, तो किस तरह होगी कम्युनिकेशन गैप हो गया वो तो जी। मैंने इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बोला कि मेरी आवाज सुने भी, जाए भी, लीडरशिप के पास भी जाएगी, चाहे ये सरकार है मौजूदा, चाहे ये भी अमल कर सकती है इस बात के ऊपर, आगे आने वाली सरकार होगी, हमारी तरफ से हम अपना सुझाव भी रखेंगे। और यदि मेरा कोई चांस बनता है, पब्लिक मुझे पसंद करेगी, मुझे जिताएगी, मैं पब्लिक की बातों के ऊपर, उनके कामों के ऊपर मैं खरा उतरूंगा, धरातल से जानता हूं, किसान की समस्या जानता हूं, एक आम आदमी की समस्या जानता हूं, मजदूर की समस्या जानता हूं, ऑफिसों की कार्यों के बारे में जानता हूं। बहुत समस्याएं हैं जिनको एक विधायक अपने लेवल पे बहुत कुछ निपटारा कर सकता है। पीछे अगर आप बात करा हाँ, तो 47,000 से भी फालतू जीता गया ना दुष्यंत चौटाला, उचाणा वाले ने भेजा था। और लोकसभा की अगर आप बात करा हाँ, लोकसभा में किसी गांव में 38 वोट आ रहे हैं, किसी में 37 आ रहे हैं, किसी में 11-11 वोट आ रहे हैं, किसी में 21 वोट आ रहे हैं, तो इतना डाउनफॉल किस तरह है? देखो, लोगों के बीच में ना जाना, उनके काम ना होना, कोई फैमिली सदस्य उनकी समस्या ना सुनने वाला, जो हम गए लोगों के पास ये बात निकल के आई कि इन्होंने तो अपना कोई वापिए बिठा रखा था, और जो वर्कर इनके लिए काम करने वाले थे, कई कई हजार, 1500, 2000, 2000, 4000 वोट के वर्कर थे इनके लिए, जीते मरते थे, नाइट स्टे इनके करवाते थे, चुनाव लड़वाते थे, आगे रहते थे, क्या उन वर्करों को वहां पे इनके पीए के पास लाइन में लग के काम कहना पड़े जो हमारे आगे बातें आई? इस टाइप की समस्याएं थी। और फिर किसानों के हितैषी ना होना, उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाना, ये बहुत बड़ा इशू है। सामाजिक बहिष्कार जो हो जाता है, मैं मानता हूं कि बड़ी देर संभलती है वो बात, पतन की तरफ चला जाता है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा दुष्यंत जी को। तो अभी एक बात हमेशा से चली आ रही है कि भाई जो बंदा एक बार बीजेपी में चला गया उसके बाद में उसका विलय तय है और डिस्प्रिन की तरह गुड़जे है जिसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो क्या JJP के साथ में वही सिनेरियो घटित होया है?
नहीं देखो, दुष्यंत जी को पावर बहुत दे रखी थी, इतने डिपार्टमेंट थे और लोगों ने उनको बड़ा अपना देवीलाल की छवि देख के चाव से नेता एक्सेप्ट भी किया था। और ये तो राजनीतिक बात है, कोई पर्सनल देखो मैं किसी प्रकार का वो तो अटैक नहीं करूंगा, पर लोगों से जो बातें आती हैं उनकी इच्छाओं पे खरा ना उतरना उनका सबसे बड़ा कारण है, उनसे ना मिलना, लोगों की मुलाकात नहीं होती थी और जो उनकी इच्छाएं थी उनके प्रति वो 10-20% भी ऐसा नहीं लगता कि पूरी हुई हो। इनेलो से जो अभय सिंह चौटाला है उनकी बार बार आरोप लगाया है कि जो इसके महकमे थे उनमें बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, तो आप कितना सहमत हो कि वास्तव में इसके द्वारा लिए गए महकमे में गड़बड़ जाला था कुछ? देखो ये विधानसभा में भी शूट है थे, कई चीजें थी, बीजेपी सरकार में एक घोटाला नहीं हुआ, कई हुए, शराब घोटाला बताते हैं, जीरी घोटाला बताते हैं, एजुकेशन घोटाला बताते हैं, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला बताते हैं, और बहुत घोटाले ऐसे थे। और एक घोटाला और भी था जो कि जिसकी जांच चल रही है अभी भी, कि जो एससी और बीसी के गरीब बच्चों का एडमिशन स्कूलों में होता था और स्कॉलरशिप जो मिलती थी उसकी, वो बहुत से ऐसे थे कि फर्जी एडमिशन करवा के एडमिशन हुए नहीं, पैसे गायब हो गए। इसके प्रति मुकदमे भी दर्ज हैं, विधानसभा में भी छूटा था ये, बाकी सरकार ने डिसीजन लेना है, देखो क्या लेंगे, बाकी गरीब बच्चों के भविष्य के ऊपर अटैक है ये। अब इस सरकार में देखो आप यूथ के साथ क्या कर रखा है, छात्रों के साथ क्या हो रखा है, बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है आज देश में, हमारे बच्चे यहाँ से छोड़ के जमीन बेच के माँ बाप को अकेला छोड़ के जाने लग रहे हैं रोजगार के लिए। यूथ है जो यूथ बड़ा अपने आप को कंजस्टेड गिरा हुआ महसूस करने लग गया कि इतनी मेहनत हमने करी, तीन तीन चार चार टेस्टों की, पिछले 5 साल में क्या हुआ नौकरियों का, कितनी नौकरियां दी हैं आपको भी पता होगा, आपके 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर यहाँ सीएम रहे, उसके बाद में नायब सिंह सैनी आए हैं, जितनी परियोजनाएं पूरे 9.5 साल में उद्घाटन में नहीं आई हैं नायब सिंह सैनी ने पिछले कुछ दिनों में ही कर दी। आप देखो जिस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने इनको घेरने की कोशिश करी थी कि भाई 100-100 गज के प्लाट थे, तो अब वो रजिस्ट्रियां बांट रहे हैं, ये बिजली का इश्यू जो कांग्रेस उठा रही थी वो कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो तनख्वाह वाला था पेंशन वाला था वो कहते हम पेंशन भी देंगे, फिर वो एक चल रहा था कि भाई हम खिलाड़ियों को आरक्षण दे रहे थे कांग्रेस जैसे उड्डा टाइम में होता था कि भाई जो स्पोर्ट्स कोटा था तो ये कह रहे हैं कि 3% हम कोटा भी ले आएंगे, तो फिर जो 1,000 किलोमीटर जो फ्री है जिसकी इनकम कम है तो हम बसों में सफर भी करवा देंगे, तो घर की है जो हर घर छत वाला है, बिजली वाला है, सोलर पैनल वाला है, तो 14 फसलों पर MSP, यानी कि जितनी परियोजनाएं 9.5 साल में खट्टर साहब ने नहीं करी थी नहीं, तो वो सारी की 50,000 नौकरियां वाला भी 100 दिन में 50,000 नौकरी देंगे, तो ये सारी की सारी चीजें अब लेकर आए हैं, तो इसका बारे में कुछ आपने लगे? देखो ये विपक्ष मजबूत होने के कारण ये सारी बातें सामने आई हैं जिसपे अभी अमल करने लग रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप देने का काम है ये। 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे, उन्होंने इस टाइप का कोई डिसीजन नहीं लिया। अब जब हुड्डा साहब ने बड़े दम खम से मीडिया में, लोगों में, अपनी स्पीचों में, जनसभाओं में जब ये गरीब लोगों की आवाज उठाई है, तब जाके इनकी आंख नींद खुली है, मुख्यमंत्री को चेंज करना पड़ा है। एक बीसी वोट बैंक, वोट जातिगत वोट बैंक की राजनीति करती है बीजेपी, और धर्म और जाति पे जिस देश में राजनीति होने लगती है वो देश डाउनफॉल में जाता है। तो हमारा एक छोटा सा स्टेट है, इस टाइप का वातावरण यहाँ नहीं बनाना चाहिए, और सभी जातियां आपस में एक दूसरे में प्रेम में, दुख में, सुख में, शादी में, तकलीफ में आना जाना रहता है, एक दूसरे के काम आते हैं, समाज में लोकल में रहते हैं उसको उससे काम पड़ता है, किसी गांव में जाते हैं मान लो तो गांव में बारात जाती है तो पूछते हैं कि गांव की कोई लड़की है क्या, जाती नहीं पूछते, उसका मान सम्मान करके आते हैं। लोगों को इन चीजों से ऊपर उठ के मेरा मानना यह है सोचना चाहिए। सरकार ने अब ये जैसे 100 गज के प्लाट वाली स्कीम है हुड्डा साहब के टाइम से चली थी, बीजेपी सरकार में वो लंबित पड़ी थी, इन्होंने बड़े लंबे टाइम से इसके लिए संघर्ष करना पड़ा नेताओं ने, हमारे हुड्डा साहब ने, MP साहब ने, हमारे जितने और MLA थे उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दे उठाए। अब इन्होंने अब 2 महीने जब सरकार के बच्चे भी हैं कि नहीं बचे, इन बातों की तरफ ध्यान गया सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि ये चीज स्कीमें पूरी भी होंगी, और लागू कर देंगे तो अच्छी बात है। कहते हैं सुबह का भुल्ला शाम को आ जाए, 10 साल का जो पीछे का खामियाजा है वो यूथ के बच्चों को, जो
HKRN में लगा रखे हैं, ना उसमें कोई कोटा था, उनको एक लॉलीपॉप दे दिया, चार चार तीन तीन साल से उनको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला, रेगुलर जॉब देनी चाहिए थी, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इस सरकार ने। इस टाइम पे देखा आप कि सिनेरियो थोड़ा सा बदलन लग रहा है, क्योंकि एक भी सीट लोकसभा की कांग्रेस का पल्ला नहीं पड़ी थी पिछली बार, अब की बार 50-50 पे आ गई है बात, तो विधानसभा में कह रहे हैं इसका बहुत ज्यादा असर देखने में मिलेगा। तो आप कितनी सीट, क्योंकि देखा जो लोकसभा का हिसाब देखा तो 50+ सीटें विधानसभा की अभी भी कांग्रेस जीत का आई है, क्योंकि अगर उसकी माइक्रो लेवल पर चेक कराया जाए तो काफी ज्यादा जो वोट बैंक है वो इंक्रीज होया है। तो कितनी सीटों का आप सोच रहे हो कि कांग्रेस आंकड़ा को छुएगी? देखो मेरा मानना, हमारा आंकलन ये है, बाकी तो पब्लिक ने फैसला करना है, 70+ सीटें लेके हुड्डा साहब अपनी सरकार बनाएंगे और ऐसे ही हरियाणा नंबर वन बनेगा, सबको अपना हिस्सा मिलेगा, चाहे खिलाड़ियों को है, चाहे आंगनवाड़ी वर्करों को है, चाहे टीचरों को है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का है, 2 लाख के करीब जो पद युवाओं के पड़े हैं वो सारे भर दिए जाएंगे। अभी सरकार जल्दबाजी में फिर वो भर्तियों में अनियमितता बरत के गड़बड़ झोला कर देगी जल्दबाजी में, नीट में भी गड़बड़ पाएगी। नीट में तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी जांच भी शुरू CBI को दे दी गई है, हमने भी पहले यह मुद्दा उठाया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके अंदर जो भी संलिप्त है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के युवाओं के साथ, जो बच्चे 2-2 साल 1.5-1.5 साल से 18-18 घंटे की पढ़ाई करते थे, उनकी आंखें सूज जाती थी, उनके साथ खिलवाड़ था, ये तो सरेआम सबको दिखता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है इस बात में। तो जनता से, उचाणा की जनता तय, क्या कुछ अपील करोगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा उचाणा की जनता को कि जो लोग मुझे नहीं जानते मेरे विचारों को वो भी समझें, मैं उनकी तकलीफों को अच्छी तरह समझता हूं। और एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता ये चीज कितनी लागू होगी ना होगी, किसान के अपने हरियाणा की राजनीति किसान और SYL पे होती रही है, SYL का बड़े लंबे टाइम से पेंडिंग है मामला, किसान को ऊपर उठाने का तो इलेक्शन के दौरान किसान को ये देंगे, किसान को ऐसे उठाएंगे, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, मोदी जी कहते हैं कि इनकी आय दोगुनी कर देंगे बहुत जल्दी, 22 में होनी वो तो जितनी हुई सबको पता है, इसका प्राइवेट सिस्टम को किसानों को इनकी हाथकड़ी लगाने का काम सरकार करने लग रही, वो तो ताकत थी, इतना बड़ा लंबा संघर्ष चला। तो किसान को मैं एक अपनी तरफ से, मैं हमारा कभी चांस बनता सुझाव मांगा तो मैं तो ये जो जरूर दूंगा, किसान की दशा में सुधारने के लिए MSP के साथ और बहुत चीजें हैं, जब तक किसान को फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसको ट्रैक्टरों के साथ जो हथियार संज हैं काम करने के वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे, खेत में उनको खाद की सुविधा नहीं मिलेगी, दवाई उनको डिस्काउंट के रेट पर नहीं मिलेगी, और उनको मंडियों में ले, उनके पैर से फसल ले मंडियों तक ले जाने तक का उनको किराया नहीं मिलेगा, वहां बैठने की उनकी व्यवस्था और खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था, मंडियों में बैठना पड़ता, सारे रथ मच्छर खाते हैं, ना मिले जब तक कैसे सुधर सकती है किसान की व्यवस्था। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेती की है, 94, 95, 96 मैंने रेगुलर अपनी खेती की है, एक एक चीज से वाकिफ हूं, 10 किलो की खेती की है सोनू जी, मैं तकलीफ समझ सकता हूं, मैंने 2 साल के अंदर 5400 रुपए 9 किलो में बचे थे, मेरी लेबर खाद बीज दवाई पानी ट्रैक्टर का सारा काट के कुल 2 साल में 5400 रुपए 9 किलो में। आप देखो सरकारी क्या फैसिलिटी है, आम किसान की क्या दशा है, सांपों में ये खेलता है, रातों को ये घूमता है, आम आदमी की समस्या में ये काम देता है, समाज को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, हर वर्ग का पेट पालने में, किसान किसी भी जाति से हो सकता है, बहुत बड़ा पूरे देश का जो पेट पालने का काम वो किसान करता है, इनके ऊपर अत्याचार वो कैसे सहन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बातें काफी लंबी होगी और ये दौर चलता रहेगा, कोई न्यू नहीं है कि भाई यू आज इंटरव्यू हो गया, क्योंकि लगातार ये भी फील्ड में है और आप मैंने तो फील्ड में देखने लगे रहे हो, कभी किसी मुद्दा के ऊपर, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, आपने के कुछ लगाया है कि उचाणा में कौन कैंडिडेट और किस तरह की राजनीति के साथ में उतरना चाहिए, और चौधरी वीरेंद्र सिंह, दुष्यंत चौटाला या अन्य किस नेता के बारे में तारे के कुछ विचार है, कौन घटिया कौन बढ़िया, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइयो। उचाणा में न्यू बताओ तुम कौन सा गांव में मैंने आना है तारे विचार जानने खातर, वो भी नीचे जरूर लिख दियो। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।